हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फेमा एक्ट के बारे में। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/studycommercechannel। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन करेंसीज कैसे आ सकती हैं? जैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, इसके थ्रू कंट्रीज में फॉरेन करेंसीज आती हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? ट्रेड के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज की कंट्री में मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया। फेमा एक्ट 1999 में बनाया गया था और ये रिप्लेस करता है एक पुराने एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1973। यानी कि फेरा एक्ट को रिप्लेस करके फेमा एक्ट लाया गया था। फेरा एक्ट क्या था? एक तरीके का कंट्रोल था फॉरेन एक्सचेंज पर। फेरा एक्ट 1973 में बनाया गया था और लिबरलाइजेशन के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड था, इसे लिबरल किया गया, काफी इजी किया गया। लेकिन जो फेरा एक्ट था, ये काफी ज्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन लगाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड पे, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस थे उसको काफी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी और ट्रेड काफी टफ था। इस कारण से फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया गया फेमा एक्ट के द्वारा, और फेमा एक्ट 1 जनवरी 2000 से काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे फेरा को रिप्लेस करने का रीजन क्या था कि फेरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरीके के थे, जो मेजर्स वो यूज करता था, जो रूल्स थे वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड इजीली पॉसिबल नहीं था लिबरलाइजेशन के बाद से। तो जरूरी था कि कुछ ऐसे लिबरल रूल्स का यूज किया जाए जिससे ट्रेडिंग पॉसिबल हो सके वर्ल्ड इकोनॉमी से। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट को हटाकर फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया गया। अब हम देख लेते हैं फेरा एक्ट में क्या क्या चीजें थी। तो फेरा एक्ट सितंबर 1973 को बनाया गया था। तो फेरा एक्ट बनाने का रीजन क्या था? फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग्स की जा रही हैं उसको रेगुलेट करना, और फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका कंजर्वेशन करना। जिस टाइम फेरा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे हमारी कंट्री में, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफ़ी कम थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कंट्री को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी पैसा RBI इशू करती है वो कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रख कर ही किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत होती है कंट्री को अपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए। जिस टाइम फेरा एक्ट बनाया गया था, उस समय फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो काफ़ी इंडिया में लो थे। इसी रीज़न से इसे बनाया गया था, ताकि जो ये रिजर्व्स लो हैं इनको सही किया जा सके, और इसकी वजह से काफ़ी टफ रूल्स और रेगुलेशंस लगाए गए। एक्सपर्ट्स इसे एक ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं। ड्रैकोनियन एक्ट का मतलब है कि अगर जो भी इस एक्ट में चीज़ें दी गई हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। यानी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर तोड़े जाते हैं तो आपको एज अ क्रिमिनल माना जाएगा, जिसके लिए सीधे सीधे आपको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन है इंडियन इंडस्ट्रीज का, वो काफ़ी ज़्यादा फेरा की वजह से रुक रहा था। रीजन क्या है? फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बहुत ज्यादा टफ हैं, तो इसके कारण से जो डीलिंग्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो नहीं हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स इजीली पॉसिबल नहीं था, ट्रेड इजीली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है एक इंडस्ट्री की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन में। तो फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये चीजें काफी टफ हो रही थी। तो ये सारे कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से फेरा एक्ट को हटा करके रिप्लेस करके 1999 में फेमा एक्ट को बनाया गया। चलिए अब हम फेमा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट काफी टफ था रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, कंट्रोल की वजह से फेरा के, उसको फ्री करने के लिए, उसको बेटर करने का काम करता है फेमा। फेमा एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को आसान करता है। दूसरा है टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरा है द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया एंड टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो फॉरेन कैपिटल है इंडिया में, इसका रेगुलेशन करना। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन पेमेंट्स। जो फॉरेन पेमेंट्स है उसको रेगुलेट करना, और नॉन रेजिडेंट जो हैं उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करना।
थर्ड आपको यहाँ दिया है कि ये काफी ट्रांसपेरेंट लॉ है, क्योंकि कौन सी एरियाज में स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत है आरबीआई से, ये सारी चीजें ये स्पेसिफाई करता है, तो काफी ट्रांसपेरेंट लॉ हम फेमा को कहेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहला है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए कुछ जनरल या स्पेशल परमिशंस की जरूरत पड़ती है आरबीआई से। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है फेमा के थ्रू, यानी कि कोई भी परमिशंस लेने की जरूरत है तो वो आरबीआई से लेनी पड़ेगी किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करने से पहले। आरबीआई से जनरल या स्पेशल परमिशन लिए बिना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं की जा सकती। सब ऐसे पर्सन को जो ऑथराइज पर्सन नहीं है उसको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ ऑथराइज पर्सन का मतलब है कि ऐसा जिसे ऑथराइज किया हो आरबीआई ने कि इस पर्सन को या इस कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, वही पर्सन ऑथराइज पर्सन कहलाएगा जिसे आरबीआई ऑथराइज करती है। दूसरा, कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया है, रेजिडेंट है इंडिया के बाहर का, तो उसे कोई भी पेमेंट नहीं किया जा सकता। तीसरा है, जो कोई अगर ऑथराइज पर्सन नहीं है इंडिया के बाहर का तो उससे पेमेंट भी नहीं लिया जा सकता। और चौथा है, इंडिया के बाहर अगर एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें भी एंटर नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ डीलिंग्स है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जिसके लिए स्पेशल या जनरल परमिशन आरबीआई से लेना जरूरी है। नेक्स्ट आपको दिया है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इसके अनुसार अगर कोई बात एक्ट में स्पेशली प्रोवाइड नहीं की गई है तो अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है तो वो इंडिया के बाहर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन सिक्योरिटी है तो उसे एक्वायर नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड आपको दिया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये है सेक्शन 5 में। जो सेल या ड्रॉल है ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है या ड्रॉ कर सकता है किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। करंट अकाउंट का मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर से रिलेटेड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। तो यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज अगर ऑथराइज पर्सन से सेल या ड्रॉ किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में तो वो अलाउ है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इसे कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैपिटल का जो होगा इकोनॉमी में वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या लोन्स दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं तो ये सारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सेक्शन 7 में दिया गया है। इसके अनुसार जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको आरबीआई या उससे रिलेटेड कोई और अथॉरिटी है तो उन्हें डिक्लेरेशन देना होगा अपने एक्सपोर्ट का। इसके अलावा अगर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि आरबीआई के द्वारा अगर मांगी गई है एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो वो भी एक एक्सपोर्टर को आरबीआई को देनी होगी। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। तो इसके अनुसार अगर किसी पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है उसको फॉरेन एक्सचेंज अगर ड्यू या अक्रूड है तो उसको ये अधिकार है कि वो जो भी स्पेसिफाइड टाइम है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई की परमिशन से जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको रियलाइज कर सकता है। नेक्स्ट दिया है एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन। तो प्रोविजंस जो सेक्शन 4 और 8 में दिए गए हैं वो कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होते हैं। सेक्शन 4 में हमने देखा था इंडिया के बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी है या फॉरेन एक्सचेंज है तो उसे कोई भी इंडियन रेजिडेंट अक्वायर नहीं कर सकता है, अपने पास नहीं रख सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो दो प्रोविजंस थे सेक्शन 4 और सेक्शन 8 में। ये कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि पहला दिया है पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन कॉइंस बाय एनी पर्सन अप टू अ सच लिमिट एज आरबीआई स्पेसिफाई। अगर आरबीआई ने जो स्पेसिफिकेशन दिया है कि कितना फॉरेन करेंसी या फॉरेन कॉइन एक पर्सन रख सकता है तो अगर इतना ही किसी के पास है तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेगा। दूसरा है फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस एंड द लिमिट अप टू विच आरबीआई में स्पेसिफाई। यानी कि अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा और जितनी लिमिट दी गई है उसने में फॉरेन एक्सचेंज रखा गया है तो ऐसे ये पर्सन भी एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तीसरा दिया है फॉरेन एक्सचेंज अक्वायर्ड और रिसीव्ड बिफोर 8th डे ऑफ जुलाई 1947 और एनी इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग देयर ऑन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इन परसुवेंस ऑफ जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांटेड बाय आरबीआई। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज अक्वायर्ड किया गया है रिसीव किया गया है जुलाई 1947 के 8th डे के पहले या फिर
इंडिया के बाहर अगर किसी ऐसे पर्सन के पास इनकम है जो कि आरबीआई से स्पेशल परमिशन उसको ग्रांटेड है तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक मे स्पेसिफाई इफ सच फॉरेन एक्सचेंज वर एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज सी इंक्लूडिंग एनी इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम। यानी कि अगर आरबीआई के द्वारा जितनी भी स्पेसिफिकेशन जितनी भी लिमिट सेट की गई है उतने में अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी के पास एज अ गिफ्ट अगर है तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे। नेक्स्ट आपको दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज अक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ट्रेड वोकेशन सर्विसेज होनोरेरियम गिफ्ट इनहेरिटेंस और एनी अदर लेजिटिमेट मीन्स अप टू सच लिमिट आरबीआई में स्पेसिफाई। यानी कि गिफ्ट के तौर पे या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या बिजनेस के थ्रू ट्रेड के थ्रू अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी के पास है उतनी लिमिट में जितना कि आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट आपको दिया है सच अदर रिसिप्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एज आरबीआई में स्पेसिफाई। यानी कि यहाँ पे टोटल आप कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा अगर स्पेशल परमिशन ले करके किसी के पास फॉरेन एक्सचेंज है चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में हो चाहे इंडिया के बाहर हो या फिर किसी और कारण से अगर है तो आरबीआई ने जितना स्पेसिफाई किया अगर उतना है तो वहाँ पे जो सेक्शन 4 है और सेक्शन 8 है वो अप्लाई नहीं होता है चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो फेमा ने आरबीआई को एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंपा है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट की है वो आरबीआई के द्वारा बताई जाती है विद सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन। यानी कि कौन कौन सा एक्ट में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ये आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के द्वारा बनाती है। और अगर कोई पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है यानी कि ट्रांजैक्शन कर सकता है। कुछ स्पेशल लिमिट्स होती हैं जो आरबीआई ने जो लिमिट्स तय की हैं उस आधार पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके अलावा स्पेशल परमिशन आरबीआई से लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर कोई उसको ब्रेक करता है तो जो पेनाल्टी होगी वो उस पर्सन पर लगाई जाएगी। अगर पेनाल्टी का वो फुल पेमेंट नहीं कर पाता है तो आगे चलकर उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी कि जेल भी हो सकती है। तो जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है फेमा एक्ट का ये आरबीआई के अंडर आता है। आरबीआई ही स्पेसिफाई करती है कौन ऑथराइज पर्सन होगा जिससे फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है कितना लिमिट तक कोई फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकता है ये सारी चीजें जो होती हैं वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये था फेमा एक्ट के बारे में जो कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं इनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसको देखता है यानी कि किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अपनी इकोनॉमी में सेव कर सकते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस फर्दर इकोनॉमी में किए जा रहे हैं वो पॉसिबल हो सके। इसके लिए फेमा एक्ट को बनाया गया है। थैंक यू।